हाउज़बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ एक नए मॉडल एक नई वीडियो के साथ। तो आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलें चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ, नए मॉडल की तरफ। आज हमारे पास मॉडल है जुनून का। हाँ जी, ये मॉडल है, काफ़ी पुराना मॉडल है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव, बड़ा मजबूत और बड़ी अच्छी मशीन है ये। आज तक इसकी अभी डिमांड वैसे की वैसी है, लोग बड़ा पसंद करते हैं और पायदार भी है। जुनून 802 इसका नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो धागा वगैरह डालना है वो किस तरह से डालना है। 220 की पैडल वाली ये मशीन है, जापानी है। नीचे हमने बोबन, सादा बोबन इसके अंदर लगी होती है। तो ये हमने देखा इसके अंदर धागा है ऑलरेडी, ऊपर का जो धागा मैं डाल निकाल के दोबारा डालता हूँ। यहाँ पे हमने धागा लेके आए, यहाँ से इसके अंदर डाला धागा, ये टेंशन पोस्ट है इसकी। यहाँ से बाकी आप ठीक कर सकते हैं नीचे ऊपर वाला। और सुई में सीधा धागा सामने से जाएगा, रील घुमा के मैंने धागा ऊपर लेके आया। मैं सादा सिलाई के लिए कुछ भी आपने नहीं छेड़ना, आपने ये स्पीड आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जब आपने कोई एम्ब्रॉयडरी करनी है तो कोई भी डाई आप ले लें, इसको आपने राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे प्रेस किया तो ये डाई आपके इसके अंदर आपने लगा देनी है। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको क्लोज करके कि ये किस तरह से लगी है। वो सामने जो पिन आपको नज़र आ रही है वो सुराख के अंदर जाएगी। आपने इसको बंद कर दिया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है जो हमने डिस्क लगाई है वो किस तरह से होगी। ये वाला इसकी चौड़ाई का बटन है, यहाँ पे आपने इसको एंड पे एंड से थोड़ा सा कम कर लें या इस तरह रखें। और इसको आपने रखना है एस के ऊपर, एस के ऊपर रखेंगे तो ये जो आपने डाई लगाई है वो डाई का डिज़ाइन जो है ना वो बनाएगी। और ये जो चाल है इसकी, इससे टांका बड़ा छोटा होगा, ठीक है, इससे टांका बड़ा छोटा होगा। इसको आपने ये जो लाइन साइड पे बनी हुई है यहाँ पे आपने लेके आना है। और जो हमने डाई लगाई थी ये वही डिज़ाइन बनाएगी। आप डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं यहाँ से कम ज़्यादा करके, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जी हाँ जी, हमने मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से आप इसकी जो भी आप डाई आप लगाना चाहें, और कोई डाई लगा के देखते हैं। ये नई डाई है, थोड़ी सी हार्ड है। तो डाई लगाने के बाद आपने ये ख्याल रखना कि आपने इसको एस पे लेके जाना है। जब आप एस पे लेके जाएंगे तो तब ये डिज़ाइन जो है ना वो बनाएगी। ये डिज़ाइन को आप लंबा चौड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। काफ़ी पायदार मशीन है। हाँ जी, ये देखें, इसने ये जो टांके बनाए हैं काफ़ी अच्छी तरह से बनाए हैं। अब आप उनको मैं बताता हूँ फिरकी इसकी जो है ना, धागा यहाँ से लेके आना है, यहाँ पे फिरकी लगा के ऊपर इस तरफ आपने इसको प्रेस करना है तो ये इसकी जो फिरकी का फंक्शन है वो काम करेगा। सादा सिलाई पे आपने आना है, कोई भी डाई लगी हो आप इसको डाई को ऑफ कर दें और इस फंक्शन को आप प्रेस करेंगे तो ये एंड पे चला जाएगा, आपको ये सादा सिलाई पर आ जाएगी। डबल सुई आपने लगानी है, ये पीछे वाला जो डायल है आपने ये ट्विन पे लेके जाना है तो ये डबल सुई काम करेगी। टांका बारीक वाला कपड़ा आपने स्टिच करना है, ये स्ट्रेट पे रखें तो इसकी जो प्लेट है ना यहाँ पे वो सुराख छोटा हो जाता है, बारीक कपड़ा यहाँ पे बड़ा अच्छा सिलता है।
डायल पे ये स्टेट जो बना हुआ है इसका मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही शिफोन वगैरह बारीक कपड़ों पे आप इस यहाँ पे रखें मशीन को, अच्छी सिलाई होगी। ये डबल स्वीप वाला फंक्शन है, ये LMR, ये तीन जगह पे इसकी सिलाई आप साइड पे, सेंटर में और इस साइड पे काम करेगी। ये मुकम्मल हो गया। ये जो चीज़ है इसको भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, सेंटर में इस साइड पे तीन जगह पे ये भी काम करेगा। एस पे कढ़ाई है, यहाँ पे ऑफ है, सीधी सिलाई है। ये चाल का फंक्शन है। और टांका पक्का करने के लिए आपको मैं बताना भूल गया, जब हमने टांका पक्का करना है इसको प्रेस करना है, तो ये टांका जो है ना बैक हो जाएगी, टांका पक्का करेगी। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।